हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एनएक्सटी के एपिसोड के बारे में। और गाइस, मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नेक्स्ट एनएक्सटी का शो इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट एनएक्सटी का एपिसोड होने वाला है। और हमें नेक्स्ट एनएक्सटी पर एक ना एक टाइटल चेंज जरूर देखने को मिलेगा। दो चैंपियनशिप मैच है, विलियम रीगल भी दो बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो गाइस, क्या कुछ होगा एनएक्सटी के शो पर, सब बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और यार, इस बार चैनल सब्सक्राइब किया और मत जाना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लेना। तो सबसे पहले बात करें एक चैंपियनशिप मैच के बारे में। गाइस, ये फीमेल डिवीजन से और यहाँ पर एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप दाव पर है। इयो शिराई अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है टोनी स्टॉर्म से। और गाइस, हमने ये पहले मैच देखा था इयो शिराई वर्सेस टोनी स्टॉर्म का, पर वहाँ पर थी मर्सिडीज मार्टिनेज भी। वहाँ पर इयो शिराई ने तो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली थी, पर उसके बाद भी टोनी स्टॉर्म ने कई बार अटैक किया। फाइनली टोनी स्टॉर्म को सिंगल्स मैच में अपॉर्चुनिटी मिली। और गाइस, मेरे को यहाँ पर काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि इसमें टाइटल चेंज हो सकता है। टोनी स्टॉर्म बन सकती है न्यू एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन। वैसे इस मैच के हमें कुछ खास ज़्यादा फ्यूड तो देखने को नहीं मिले, कुछ खास ज़्यादा बिल्डअप तो देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में चांस नहीं है कि इयो शिराई भी ये चैंपियनशिप फिर से एक बार रिटेन कर ले। पर गाइज, मेरे ख्याल से यहाँ पर टोनी स्टॉर्म को एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन मिल जानी चाहिए। इसके अलावा गाइज, एक और फीमेल डिवीजन से मैच है, नॉन टाइटल सिंगल्स मैच है, जिया ली वर्सेस केडन कार्टन के बीच में होगा। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने ये मैच पिछले हफ्ते के एनएक्सटी के लिए प्रिडिक्ट किया था, पर ये पिछले हफ्ते तो नहीं हुआ, पर नेक्स्ट एनएक्सटी पर होने वाला है। और ये मैच है सिर्फ जिया ली को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। यहाँ पर जिया ली फिर से एक बार तहस नहस कर देंगी केडन कार्टर को। इसके अलावा गाइस, बात करें दो बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि विलियम रीगल एनएक्सटी के जनरल मैनेजर करने वाले हैं नेक्स्ट एनएक्सटी के एपिसोड पर। ये दो बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है गाइस। जैसे कि रूमर्स है, पहली अनाउंसमेंट तो हमें विलियम रीगल की तरफ से ये देखने को मिलेगी कि वो एक नई टाइटल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एनएक्सटी में, और ये होगी एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम टाइटल। और गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, हमें मेन रोस्टर में दो ब्रांड रॉ और स्मैकडाउन मिला के सिर्फ एक वुमेन्स टैग टीम टाइटल देखने को मिलती है, पर यहाँ पर एनएक्सटी अपने लिए अलग से पर्टिकुलर एक टैग टीम वुमेन्स टैग टीम टाइटल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी अनाउंसमेंट रूमर्स में है गाइस, वो है हमें दो नाइट का एनएक्सटी टेकआउट देखने को मिलेगा रेसलमीनिया से पहले। यहाँ पर विलियम रीगल बताना चाहते हैं नेक्स्ट एनएक्सटी पर। ये दो बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेंगे विलियम रीगल की तरफ से। वैसे गाइस, एनएक्सटी हमें आगे आने वाले टाइम में ट्यूजडे नाइट को देखने को मिलेगा, तो हो सकता है इसके बारे में भी कुछ कह सकते हैं। तो ये दो बड़ी अनाउंसमेंट की रूमर्स हैं अभी फिलहाल में। इसके अलावा गाइस, बात करें एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के बारे में, और जैसे कि आपको पता है अभी करंट एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है जॉनी गार्गेनो। और जॉनी गार्गेनो की फ्यूड चल रही है डेक्सटर लूमिस से, पर अभी तक WWE ने मैच प्लान नहीं किया इन दोनों का मैच हमें कब देखने को मिलेगा। वो पॉसिबली हमें एनएक्सटी टेकओवर में देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट होगा, पर उससे पहले क्या फिर से जॉनी गार्गेनो बदला ले पाएंगे डेक्सटर लूमिस से। ये हमें अगर फ्यूड में दोनों सुपरस्टार का फिर से कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है, फेस ऑफ देखने को मिलता है, ये फ्यूड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और इस फ्यूड को देखने में WWE फैंस को भी मजा आएगा। इसके अलावा गाइस, बात करें एक और जो चैंपियनशिप मैच के बारे में, ये मेन इवेंट का तो मैच है और ये हमें सबसे ज़्यादा हाइप करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और गाइस, ये है एडम कोल वैसे फिन बैलर का। यहाँ पर फिन बैलर अपनी एनएक्सटी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। और गाइस, जैसा कि अब तक एडम कोल को WWE ने दिखाया है फिन बैलर के अगेंस्ट या फिर अनडिस्प्यूटेड एरा के अगेंस्ट, एडम कोल भाई अकेले ही वन मैन आर्मी बने हुए हैं इन तीनों के सामने। तो गाइज, यहाँ पर एडम कोल ने भी पूरी हाइप बना रखी है कि वो नेक्स्ट एनएक्सटी चैंपियन बनेंगे, तो क्या यहाँ पर भाई फिन बैलर अपनी टाइटल लूज करने वाले हैं। गाइज, मैच तो हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलेगा, एडम कोल को फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी मिली है नेक्स्ट टाइटल के लिए, तो मैच तो हमें A1 क्वालिटी का देखने को मिलेगा। पर गाइज, मैं अपनी प्रिडिक्शन बताऊँ तो यहाँ पर फिन बैलर अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुल रिटेन कर लेंगे एडम कोल से। पर गाइज, यहाँ पर देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि एडम कोल पर क्या अटैक करने आते हैं काइली ओरेली। वैसे काइली ओरेली की अभी अनाउंसमेंट नहीं है कि वो नेक्स्ट एनएक्सटी पर रिटर्न करेंगे या फिर कोई चांसेस भी हैं, पर गाइस यहां पर एडम कोल पर अटैक कर सकते हैं काइली ओरेली, क्योंकि अब एडम कोल और काइली ओरेली की फ्यूड चलेगी। और इस पर भाई रॉडरिक स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, रॉडरिक स्ट्रॉन्ग तो आएंगे नेक्स्ट एनएक्सटी के एपिसोड पर, क्या वो भी अटैक करेंगे। ये दो बड़ी मुसीबत बन सकती हैं एडम कोल के लिए एनएक्सटी चैंपियनशिप मैच में। और वैसे भी फिन बैलर जब एनएक्सटी में एडम कोल को हरा देंगे तो उनकी फ्यूड अब किसके साथ होगी, रेसलमेनिया के लिए या फिर एनएक्सटी टेकओवर के लिए, हमें करियन क्रॉस के साथ देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है करियन क्रॉस फिन बैलर पर भी अटैक कर दे नेक्स्ट एनएक्सटी के शो पर। तो गाइस, ओवरऑल नेक्स्ट एनएक्सटी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो नेक्स्ट एनएक्सटी बिल्कुल मिस मत करना, सिर्फ कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, एडम कोल बन सकते हैं नेक्स्ट एनएक्सटी चैंपियन या फिर इयो शिराई हार सकते हैं अपनी एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन। और इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना भाई।